कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा के तमाम नए उपाय अपना रहा है। हवाई अड्डों की तरह रेलवे भी QR कोड वाले संपर्क रहित टिकट देने की योजना बना रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल की QR कोड प्रणाली अब पूरे देश में लागू होगी। इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह आरक्षित टिकट के विवरण को यूनिक QR कोड के रूप में दिखाएगा। कहीं से भी टिकट बुक कराने पर यात्री के मोबाइल पर एक QR कोड के URL वाला एक SMS आएगा। स्टेशन पर टिकट की जांच के दौरान इस QR कोड को क्रिस द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से युक्त हैंडहेल्ड टर्मिनल अथवा मोबाइल से चेकिंग स्टाफ स्कैन कर लेगा। कोड स्कैन होते ही यात्री के सभी विवरण के साथ सीट ऑक्यूपेंसी, खाली बर्थों की स्थिति की रियल टाइम जानकारी हासिल हो जाएगी। इससे यात्रियों को भी काफी सहूलियत होगी, साथ ही रेलवे कर्मचारियों को भी टिकट चेकिंग में सहूलियत होगी। QR कोड के आधारित संपर्क रहित टिकट स्कैनिंग जांच प्रणाली NCR प्रयागराज स्टेशन से 1 जून 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। टिकट चेकिंग की ये व्यवस्था अब सभी स्टेशनों पर लागू की जाएगी। इसके लिए स्टाफ को ट्रेन किया जाएगा ताकि उन्हें चेकिंग के दौरान कोई दिक्कत न हो। दरअसल भारतीय रेलवे ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर यात्री, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया है और 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल AC ट्रेनें और 100 जोड़ी स्पेशल टाइम टेबल चलाना शुरू कर दिया है।